हेलो एवरीवन, चैलेंजिंग सीरीज के डे 72 में आपका स्वागत है। आज का क्वेश्चन हमारा बोटन स्ट्रीम पे बेस्ड है। चलते हैं आज के क्वेश्चन की ओर। जो लोग मेरे बारे में या चैलेंजिंग सीरीज के बारे में जानना चाहते हैं, इस वीडियो को पॉज करके इस कंटेंट को पढ़ के पूरी जानकारी ले सकते हैं। क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके से है। मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, इस क्वेश्चन को अगर आप अच्छे से समझना चाहते हो, पूरे टाइम स्पीड डिस्टेंस के कंसेप्ट को समझना चाहते हो, तो कुछ उसी का एक पार्ट मैं इस क्वेश्चन में समझाने वाला हूँ जो पूरे टाइम स्पीड डिस्टेंस में हम लोग लागू करते हैं। और इसका मैं आपको सबसे पहले शॉर्ट अप्रोच बताऊंगा जो एकदम बेसिक अप्रोच है, और उसके बाद फिर मैं आपको इसका फंडामेंटल जो हम लोग डी और एक्स वगैरह मान के सॉल्व करते हैं वो हम लोग सबसे पहले इसको रेशियो पे सॉल्व करना जानेंगे उसके बाद, ठीक है। चलो देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। बोल रहा है एक्स वाई जेड आर सिचुएटेड एट द बैंक ऑफ रिवर विच इज फ्लोइंग एट अ कॉन्स्टेंट रेट। एक्स वाई जेड जो है एक रिवर के किनारे है जो कि एकदम अपने रफ्तार स्थिर रफ्तार से चल रही है, ठीक है। Y is at an equal distance with X and Z. Y जो है X और Z दोनों से ही equal distance पे है, ठीक है। किधर X है किधर Z है ये नहीं पता, लेकिन Y हमेशा क्या है, बीचों बीच है हमारा, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, ए स्विमर अभिराज टेक्स 10 आवर टू स्विम फ्रॉम X टू Y एंड Y टू X. X से Y जाने में और Y से X आने में एक स्विमर को कितना देर लगता है, 10 घंटा लगता है। Also, he takes 8 hours to swim from X to Z downstream. X से Z downstream जाने में उसको 8 घंटा लगता है। ये क्लियर हो गया कि X से Z क्या जा रहा है, downstream. यानी X यहाँ Z यहाँ अगर मैं लेता हूँ तो downstream का धारा किधर है हमारा, इस साइड है, ठीक है। अब कोई जरूरी नहीं है आप Z इधर भी ले लो X इधर भी ले लो, लेकिन तब उस कंडीशन में क्या होगा, downstream आपका इधर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो मुझे क्वेश्चन में अगर मैं इसे डायग्राम बेसिस पे देखूँ तो डायग्राम बेसिस पे आप सॉल्व कर लोगे। एक्स से जेड जाने में उसको कितना लग रहा है, 8 घंटे लग रहे हैं, ठीक है। कितने देर लग रहे हैं, 8 घंटे। आपको मालूम है कि यहाँ वाई जो है एक्स से भी उतनी ही दूरी पे है जितनी दूरी पे जेड से है, यानी कि अगर यहाँ से यहाँ वाई से लेके जेड तक की दूरी अगर डी होगी तो एक्स से लेके वाई तक की भी दूरी कितनी होगी, डी होगी, और कुल दूरी कितनी हो जाएगी हमारी, 2D हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक इसको ट्रैवल करने में 8 घंटा लगा, तो पूरा दूरी ट्रैवल करने में 8 घंटा, तो आधा दूरी ट्रैवल करने में उसको कितना समय लगेगा, 4 घंटा लगेगा, ठीक है। कितना देर लगेगा, 4 घंटा लगेगा। फिर क्या बोल रहा है आपको सवाल में, पहला वाला लाइन में पढ़ेंगे कि x से y जाता है और फिर वापस आता है कितना देर में, 10 घंटा में। आपको तो मालूम हो गया x से y जाने में उसको कितना देर लगता है, 4 घंटा लगता है, और वापस आने में तब कितना, टोटल 10 घंटा अगर लग रहा है तो वापस आने में उसे कितना लगेगा, 6 घंटा लगेगा। वापस आने में कितना लगेगा, 6 घंटा। अब ध्यान दो, वापस आया होगा तो वापस आया हो क्या, डाउन अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम में क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई, और डाउन स्ट्रीम में जाने में उसको कितना देर लग रहा है, 4 घंटा। डाउन स्ट्रीम जाने में उसको कितना देर लग रहा है, 4 घंटा। ये कहां से कहां तक का मैं बात कर रहा हूं, एक्स से लेके वाई तक का मैं बात कर रहा हूं। कहां से बात कर रहा हूं, एक्स से लेके वाई तक में। तो मुझे मालूम हो गया यहां से एक्स से लेके वाई तक में अप स्ट्रीम में लगा समय 6 घंटा, डाउन स्ट्रीम में लगा समय हमारा 4 घंटा, और डिस्टेंस तो हमारा कॉन्स्टेंट है ही। तो जब हमारा डिस्टेंस कॉन्स्टेंट होता है, क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है, तो उस कंडीशन में हमारा क्या होता है, स्पीड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, टाइम। यानी कि स्पीड अगर हमारा अप स्ट्रीम में, सॉरी डाउन स्ट्रीम में एक्स प्लस वाई है और अप स्ट्रीम में हमारा एक्स माइनस वाई होता है, इसका एक्स प्लस वाई जाने में हमें कितना लगा, 4 घंटा। चूंकि इन्वर्सली लिखना है, यानी कि 4 को मैं कहाँ लिखूंगा, नीचे लिखूंगा, और एक्स माइनस वाई को लगा 6 घंटा, यानी इन्वर्स में लिखना, यानी कि क्या, जस्ट उसका उल्टा, यानी कि इसे कहाँ लिखूंगा मैं, 6 यहाँ लिखूंगा, 2 से 3 बार में, 2 से 2 बार में। हमें निकालना क्या है, बोल रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ अभिराज इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम। स्टिल वाटर में उसकी स्पीड और स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालना है। स्टिल वाटर में हम लोग किसको इंडिकेट करते हैं, एक्स को, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम किसको बोलते हैं हम लोग, वाई को। यानी कि एक्स की वैल्यू हम यहाँ पे सिंपली आप इसको ऐसे बोलो, रिप्रेजेंट करो, एक्स प्लस वाई हमारा 3 है, एक्स माइनस वाई हमारा 2 है। तो मुझे जब एक्स निकालना होता है तो वो होता है, एक्स होती है हमारी 3 + 2 अपॉन में कितना, 2, और जब मुझे वाई निकालना होता है तो क्या होता है, 3 - 2 अपॉन में कितना, 2, और यहाँ पे रेशियो लगा देना है, 3 + 2 यानी कि 5, ये 2 2 तो हमारा खत्म हो गया 5, और यहाँ पे हमारा कितना आ गया 1, यानी x रेशियो y कितना आ गया, 5:1। वो आप लोगों को यहाँ तक क्लियर होगा। अब सवाल में देखो आपको दिए हुए क्या, अगर आप बेसिक ना ये अप्रोच ना लेके, कांस्टेंट वाला अप्रोच रेशियो से ना बना के अगर आप बेसिक से बनाना चाहते हो, तो देखो x से लेके z गया था वो कितना देर में, 8 घंटा में। x से लेके z तक की दूरी कितनी है, 2D है, यानी कि 2D दूरी वो किधर गया था, डाउन स्ट्रीम, यानी कि क्या, x प्लस वाई कितना देर में गया, 8 घंटे में गया, लिख दिया मैंने 8 घंटा।
फिर क्या हो रहा है, एक्स से लेके वाई, एक्स से लेके वाई तक की दूरी कितनी, डी। वो क्या करता है, एक बार जाता है यानी कि डाउन स्ट्रीम जाएगा, और एक बार क्या करता है वापस आता है यानी कि अप स्ट्रीम आएगा। और इसे कितना देर लगता है, 10 घंटे लगते हैं। 2 से जब मैं इसे काट दूंगा तो ये 4 घंटे निकल जाएंगे। डी बटा एक्स प्लस वाई का वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ, यानी कि डी बटा एक्स माइनस वाई मुझे क्या निकल जाएगी, 10 में जब 4 चला जाएगा तो कितना बचेगा हमारा, 6। ठीक है, जब डी बटा में एक्स प्लस वाई की वैल्यू मुझे मालूम हो गई 4 घंटे, डी बटा में एक्स माइनस वाई की वैल्यू मालूम हो गई मुझे 6 घंटे, इसी का मैं रेशियो निकाल देता हूँ। यहाँ पे रेशियो निकालने के लिए क्या करूँ मैं, डी बटा में एक्स माइनस वाई और फिर मेन बटा में डी बटा में एक्स प्लस वाई लिख देता हूँ, इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू 6 है और इसकी वैल्यू कितनी है, 4। मैं जब इसे सॉल्व करूंगा तो डी डी हमारा कट जाएगा, और फाइनली इसे को सॉल्व करने के बाद मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ से x प्लस वाई हमारा ऊपर चला जाएगा और x माइनस वाई नीचे आ जाएगा, और इसी को फिर हम लोग कहाँ पे आ जाएंगे, डायरेक्टली इसी इक्वेशन में आ जाएंगे, और इसी को फिर मुझे सॉल्व करना है। तो ये इक्वेशन तो हम लोग डायरेक्टली फिगर बना के ही निकाल लिए थे। तो इस टाइप के क्वेश्चन को अगर आप अप्रोच वाइज करेंगे तो अप्रोच वाइज करने में आपके समय बहुत बचेंगे, और आप फंडामेंटल भी कर रहे हो तो कोई इशू नहीं, आप इससे भी आसानी से सॉल्व कर सकते हो। लिटरली यहाँ तक ही तो पहुँचना है, मेन तो यहाँ तक ही पहुँचना है, इसे भी आप आसानी से कर सकते हो, तो किसी भी तरीके से कोई जान नहीं। हाँ, अगर आप रेशियो से कर रहे हो या डायग्राम बेसिस पे कर रहे हो तो इस कंडीशन में आपका क्या होता है कि इस टाइप के कोई भी सवाल आपको अगर आते हैं तो आप उस टाइप के सवाल को बना सकते हो। तो हमें टाइम स्पीड डिस्टेंस में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या देखना होता है कि कौन सा पार्ट हमारा कांस्टेंट है। कोई अगर एक पार्ट हमें कांस्टेंट मिल जाए तो बस वही इनवर्स और डायरेक्ट प्रोपोर्शन का हमें रेशियो लगा देना। होप आप लोगों को क्लियर होगा।